दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि रोहित शर्मा के ऊपर जो वीरेंद्र सहवाग टीम मैनेज पर भड़के हैं वो ठीक भड़के हैं या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में भी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट पर कल शर्मनाक हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपने यूट्यूब चैनल पर जमकर भड़ास निकाली। जी हाँ, रोहित शर्मा को ना खिलाने को लेकर टीम मैनेजमेंट पर वीरेंद्र सहवाग जमकर भड़क गए। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपने YouTube चैनल पर टीम मैनेजमेंट और कप्तान कोहली पर जमकर भड़ास निकाली। वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि ये दर्शकों के साथ धोखा है, क्योंकि दर्शक रोहित शर्मा को मैदान में देखने आते हैं और आप रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर देते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को अभी आराम की जरूरत नहीं थी, जिस प्रकार से उन्हें आराम दिया गया उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर ऐसा ही था तो उन्हें टीम में ही सेलेक्ट ना करते, जिससे कि दर्शकों के साथ ये धोखा ना होता। कुछ दर्शक स्पेशली रोहित शर्मा की बैटिंग देखने मैदान में आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रोहित शर्मा नहीं खेलते तो उनको ऐसा लगता है कि उनके टिकट के पैसे बेकार चले गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा होते तो मैच का नतीजा कुछ और होता। रोहित शर्मा की शानदार फॉर्म चल रही है और रोहित शर्मा को अभी टीम इंडिया में कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की बल्लेबाजी चल रही है वो भारतीय टीम के लिए काफ़ी लाभदायक होती और शायद भारतीय टीम इस मैच को जीत जाती, क्योंकि रोहित शर्मा ने टेस्ट श्रृंखला में भी शानदार प्रदर्शन किया था और T20 में भी उनकी बल्लेबाजी का जौहर दिखना चाहिए था। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को ही टीम से बाहर कर इंग्लैंड को एक चांस दे दिया और इंग्लैंड ने धावा बोल दिया और इंग्लैंड ने भारत को पीट दिया। ये सब वीरेंद्र सहवाग के थे। अगर आप भी वीरेंद्र सहवाग की बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्री विद सहवाग लिखें। अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बात से एग्री नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में भी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।